नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य और मैं आपके पास लेके आया हूं मेरे 5 गानों की स्टोरीज। चुराना मेरा जिया गुरिया, चुराना मेरा जिया। ये गाना मेरी लाइफ का वो गाना है। आप अगर बोले अगर प्लेन टेक ऑफ करता है तो ये वो गाना है मेरी लाइफ का, मेरे करियर का कोरियोग्राफी में टेक ऑफ। बीडी जलेले मैं उसके पहले इतने सब गाने कर चुका था और मेरे फैमिली वाले और मुझे लोग बोलते थे कि तूने इतने बड़े बड़े हिट गाने दिए लेकिन तुमको फिल्म फेयर अवार्ड कभी मिला नहीं। विशाल भारद्वाज के साथ मैंने लाइफ में एक ही गाना किया ओमकारा का, वो है बीडी जलेले। हुआ वो गाना हिट हुआ एंड आई गॉट फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ फिल्म फेयर अवार्ड, फर्स्ट टाइम फॉर बीडी जलेले। फिर राकेश ओम प्रकाश मेरा जी ने मुझे बुलाया, ये गाना करना है रंग दे बसंती का अपनी तो पाठशाला, और हम लोगों ने जयपुर में किया वो गाना फुल नाइट। फिर मेरा एक स्टाइल स्टैब्लिश हो गया था कि गणेश साइन मूवमेंट के लिए बहुत कहलाता है। डिड 7-8 डेज रिहर्सल एंड शी डिड 8-9 डेज शूटिंग विदाउट शूज विदाउट स्लीपर्स एंड दैट इज फैंटास्टिक। बेसिकली वो चिकनी चमेली कैटरीना के बिना तो इम्पॉसिबल हो सकता। रणवीर को तो बाप रे मैच करना किसके बस की बात नहीं है, उसको आप 100 बोलो तो 1000 तक पहुंच जाता है, वोल्टेज है उसके अंदर, वोल्टेज मेन। इट्स माय 5 बेस्ट सॉन्ग। यू लाइक दिस 5 वीडियोज, यू लाइक मी, प्लीज सब्सक्राइब। हर मुश्किल हो जाती है आसान जब खुदा साथ हो, और मिल जाती है मंजिल जब अंदर मेहनत की आग हो। और इन शब्दों के जैसा ही रहा है डांस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं इनके संघर्ष की कहानी। गणेश आचार्य का जन्म 14 जून 1971 को तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में हुआ। इनके पिता का नाम था गोपी आचार्य जो कि एक डांस टीचर थे, परंतु गणेश जी की स्थिति तब बिगड़ी जब उनके पिता गोपी आचार्य जी का निधन हो गया, और ये सब तब हुआ जब गणेश की उम्र बस 10 साल की थी, और दुर्भाग्य से गणेश को चेन्नई छोड़ना पड़ा। और इसी के साथ ही गणेश की पढ़ाई भी छूट गई और उन्हें उड़ीसा के कटक जिले में जाकर रहना पड़ा। और गणेश ने उड़ीसा में रहते हुए अपनी बहन से डांस सीखना शुरू कर दिया था, और बाद में डांस सीखते हुए गणेश ने मशहूर डांस मास्टर कमल जी को भी असिस्ट करना शुरू कर दिया था। और जब महज गणेश 12 साल के थे तभी उन्होंने अपना एक डांस ग्रुप बनाया, और कमल जी के साथ काम करते हुए गणेश की थोड़ी बहुत पहचान बन गई थी, और इसी से उन्हें सिर्फ 19 साल की उम्र में एक फिल्म के गाने को कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था अनाम, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी, और इसी तरह गणेश आचार्य जी को अपनी राह मिल चुकी थी। पर सफलता के लिए इन्हें बहुत इंतजार करना पड़ा था, और पहचान के लिए भी समय लगा। पहचान इन्हें मिली कुली नंबर 1 के गाने हुस्न है सुहाना से। जब गोविंदा को सिखाए ये स्टेप पूरे देश भर में धूम मचा चुके थे, और इनकी पहचान बॉलीवुड में बन गई थी। ना गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए गणेश को अपने काम में सफलता तब मिली जब 2007 में रिलीज हुई फिल्म लज्जा का गाना बड़ी मुश्किल स्क्रीन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला दिल। पर वे इसे जीत नहीं पाए, और इस तरह फिर से 2004 में खागी फिल्म के गाने ऐसा जादू डाला रे का नॉमिनेशन जिस इन्हें अवार्ड पर हुआ। पर ये फिर से नहीं जीत पाए, पर गणेश ने हार नहीं मानी। फिर मेहनत का फल गणेश को 2007 में मिला जब उन्होंने बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड जीता। वह अवार्ड उन्हें ओमकारा मूवी के गाने बीड़ी जलेले के लिए मिला। जिगर से पिया, जिगर मां पड़ी आग है।
और इसी सफर में गणेश ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए काम किया, जैसे रंग दे बसंती, फिर हेरा फेरी, गोलमाल और लगे रहो मुन्ना भाई। और इसी के साथ उन्होंने कुछ फिल्में भी डायरेक्ट की, जैसे स्वामी और मनी है तो हनी है। और गणेश ने बतौर एक्टर भी बहुत फिल्मों में काम किया है, जैसे ABCD1 और हे ब्रो। और तमिल फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल भी निभाया है, फिल्म का नाम है रउडी रन। और बात करें तो गणेश के सुपरहिट गानों की जो उन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं वे है चिकनी चमेली, बॉडीगार्ड सॉन्ग, सिंघम सॉन्ग, मस्तों का झुंड और मल्हारी सॉन्ग है। और गणेश खुद बताते हैं कि उनके बॉलीवुड में सबसे मनपसंद डांसर गोविंदा है और हीरोइन में माधुरी दीक्षित है। और गणेश आचार्य ने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है और उन्होंने अपने करियर में 1 फिल्मफेयर अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड, 2 आईफा अवार्ड और 1 ग्लिड अवार्ड और 3 जी सिने अवार्ड जीते हैं। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि पिता के ना होने के बावजूद भी गणेश ने जो मुकाम हासिल किया है वे हमारे लिए एक जीता जागता उदाहरण है कि मेहनत के दम से सब हासिल किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और आपको जिस भी डांसर के संघर्ष की कहानी पसंद है या आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग।